राजगढ़ की माजलपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अवैध शराब का परिवहन कर रहे 3 कंटेनर को पकड़ते हुए उसमें रखे करीब 1,72,00,000 रुपए से अधिक की बियर को जब्त करते हुए 4 आरोपियों को आबकारी एक्ट के तहत गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तार हुए आरोपियों में 2 आरोपी उत्तर प्रदेश के एवं 1 आरोपी राजस्थान व 1 आरोपी हरियाणा का बताया जा रहा है। ये 4 आरोपी जीरापुर की तरफ से 3 कंटेनर जिनमें बियर भरी हुई थी उसे अवैध तरीके से लेकर आ रहे थे। उसी समय मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई माचलपुर पुलिस टीम ने करते हुए अवैध शराब को कंटेनर के साथ ही जब्त कर लिया है। जिले में अब तक की यह सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। जानकारी के अनुसार इस कार्रवाई में पुलिस ने 3 कंटेनरों से कुल 4,500 पेटियां 91 व्हाइट रिफ्रेशिंग वीट बियर जिसकी कीमत करीब 1,72,80,000 रुपए बताई जा रही है उसको जब्त किया है। इसके साथ ही पुलिस ने अवैध शराब परिवहन में काम आने वाले 3 कंटेनर वाहन को भी जब्त कर लिए हैं। पुलिस ने इस अवैध शराब परिवहन में कुल 4 आरोपियों के पास से करीब 2,62,80,000 रुपए का मशरूका जब्त करते हुए आबकारी एक्ट की कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक राजगढ़ अवधेश कुमार गोस्वामी के निर्देश पर चुनावों के चलते अवैध शराब तस्करी के रोकने की कार्रवाई चल रही है और उसी के आधार पर मुखबिर की सूचना पर यह बड़ा जखीरा पुलिस के हाथ लग गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। सूचना प्राप्त हुई 3 कंटेनर जिनमें अवैध शराब भरी हुई है वो जीरापुर की तरफ से आने वाले हैं और बकानी की तरफ जाने वाले हैं। इसकी सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया एवं मार्गदर्शन प्राप्त कर कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त 3 कंटेनरों को रोका गया। उक्त 3 कंटेनरों में चेक किया गया तो उनके अंदर 1500 प्रत्येक कंटेनर 1500 पेटियाँ बीरा 91 बियर की कैने पाई गई जिनकी कुल कीमत 1,72,80,000 रुपये है।